बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फोर्थ लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 ऑफ कंप्यूटर्स। और कल हम लोगों ने एल्गोरिथम का सेकंड लेक्चर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 एग्जांपल्स डिस्कस की थी एल्गोरिथम बनाते हुए। वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, प्रिंटिंग लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू अ स्कीम, एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। एंड वाइल डूइंग दीज एल्गोरिथम्स, हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे, जिसके अंदर ड्राई रनिंग, इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप लोगों को ये लेक्चर मिस हो गया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा 10th कंप्यूटर की प्लेलिस्ट से भी, इस चैनल की प्लेलिस्ट से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 8, दैट इज हाउ टू प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। जी, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि द ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको उर्दू में ता का दाद कहा जाता है, जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हम प्रिंट करवाएंगे, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 up to 99, बिकॉज 100 इज एन इवन नंबर, इट्स नॉट अ ऑड नंबर, तो इसलिए वो यहां पर नहीं लिखा हुआ। अब जो हमारी बेसिकली प्लानिंग क्या होगी, इनपुट के तौर पर हमें कोई इनपुट की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट, वी ऑलरेडी नो व्हाट आर ऑड नंबर्स और कहां से कहां तक हमने प्रिंट करवाने, तो देर इज नो इनपुट टेकन, किसी किस्म की इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आउटपुट क्या होगी जी, हमारे पास ऑड नंबर्स एज गिवन इन द क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक जितने ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। प्रोसेसिंग क्या होगी, इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 1 एंड कीप प्रिंटिंग इट विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 टिल 99। दैट्स रियली सिंपल, कि आप 1 से शुरू करें, उसके अंदर 2 ऐड करते जाएं और 99 तक प्रिंट करवाएं। तो 1 के अंदर जब भी 2 ऐड किया जाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा। ये है इस एल्गोरिथम को बनाने की मेन लॉजिक। ये काम बेसिकली हमने स्टेप्स के अंदर करवाना है, कि हम 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद हम उसमें 2 ऐड करते जाएंगे और उसको प्रिंट करवाते रहेंगे, कब तक, जब तक कि हमारे पास 99 नहीं आ जाता। ये काम हम अपनी एक पिछली प्रॉब्लम के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, कि हम कंपेयर करते थे वैल्यू को। जैसे अगर इफ यू रिमेंबर, कि हमने पी और के की वैल्यूज ली थी, राइट, और पी के अंदर हम इंक्रीमेंट करते थे और फिर उसको चेक करते थे कि क्या के ई से छोटा है कि नहीं। इसी तरीके से यहां पर भी हम यही करेंगे, कि उसकी वैल्यू को चेक किया जाएगा कि के 900 से छोटा है कि नहीं। ठीक है, चलें अब करके देखते हैं एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, हमने यहां पर इनिशियलाइजेशन कर दी के की 1 के साथ। इनिशियलाइजेशन का आपको ऑलरेडी आइडिया है, जब किसी वेरिएबल को फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू दी जाती है, इट्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, और इसकी इनिशियलाइज करने की वैल्यू है 1। उसके बाद हमने उसको आउटपुट के का मतलब है कि आप स्क्रीन के ऊपर उसको प्रिंट करवा रहे हैं, आउटपुट के जो भी के की वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गई है। और उसके बाद हमने क्या किया जी, इंक्रीमेंट के बाय 2। अब क्या हुआ कि के की जो भी वैल्यू थी उसके अंदर हमने 2 ऐड किया, के की जो भी वैल्यू थी उसमें 2 ऐड किया, के की वैल्यू कितनी हो गई, पहले 1 थी और अब 2 ऐड कर दिया, कितनी हो गई जी, 3, और 3 हमारी नई वैल्यू है के की। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया कि क्या के की वैल्यू 100 से छोटी है, तो जी 3 इज लेस देन 100। अगर ये ट्रू होता है, ये कंपैरिजन अगर ट्रू होता है तो देन पार्ट चलता है, और अगर फॉल्स होता है तो अदरवाइज पार्ट चलता है। ये आपके लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन भी था और आपको मैंने ये समझाया भी था। तो अब ये कंडीशन ट्रू है तो हम दोबारा गो टू स्टेप नंबर 2 चले जाएंगे, जो कि ये है कि हम दोबारा के की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। अभी के की वैल्यू है 3, उसके अंदर 2 ऐड करेंगे, के की वैल्यू होगी 5, 100 से छोटी है, दोबारा 2 पे जाएंगे और के की वैल्यू 5 प्रिंट करवा देंगे, फिर 2 ऐड करेंगे 7, और फिर चेक करेंगे, एंड दिस साइकिल विल कीप गोइंग ऑन अनटिल और अनलेस दिस कंपेरिजन बिकम फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब तक ये काम, ये सब कुछ रिपीट होता जाएगा। ये जो सारी रिपीटेशन हो रही है इसको हम कहेंगे लूप्स। इट्स अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर कमिंग लेक्चर्स। तो पर अभी यहां पर आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं कि ये, इनको लूप्स कहते हैं, ये आइट्रेशन भी कहा जाता है इनको। तो ये हमारे पास कंपेरिजन चलता रहेगा, जब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये लूप कब ब्रेक करेगा, ये लूप ब्रेक करेगा जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100, क्योंकि 100 100 से छोटा नहीं होता, कंपैरिजन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो देन पार्ट नहीं चलेगा, अदरवाइज वाला पार्ट चलेगा, दैट इज गो टू स्टेप नंबर 5, और वो इससे नीचे है और उस पर लिखा हुआ है स्टॉप।
ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आई वॉन्ट यू टू प्रिंट प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 100 टू 200, तो इस प्रोग्राम में क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ एक सिंगल चेंज के साथ आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो वो क्या चेंज होगा। मूविंग ऑन टूवर्ड्स आर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9, प्रिंटिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जी, बड़े से छोटे की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर हमारा नेचुरल ऑर्डर जो होता है 1 2 3 4, दैट्स आर नेचुरल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर दिया हुआ है ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी गिवन इन डिसेंडिंग फॉर्मेट, 27 24 21 18 अप टू सो ऑन टिल -6। प्लानिंग द सोल्यूशन, सोल्यूशन हमने प्लान करना है, देर विल बी नो इनपुट। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या होगी जी, हमने 27 से लेकर -6 तक के डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स प्रिंट करवाने हैं विद अ स्टेप ऑफ -3। नाउ द वर्ड स्टेप, स्टेप का मतलब है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। जो यहां पर हमारे पास साथ साथ दो नंबर्स दिए हुए, इनका डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज -3। आप 27 में -3 करेंगे, इट्स बिकम 24, फिर 21 18 15 अप टू -6, तो इसे कहते हैं स्टेप, डिफरेंस को कहा जाता है स्टेप, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोसेसिंग, तो इनिशियलाइज करेंगे हम अपने वेरिएबल को 27 से, क्योंकि हमारी फर्स्ट वैल्यू 27 है, और ये हम प्रिंट करते रहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब तक हम -3 के डिफरेंस के साथ, डिक्रीमेंट के साथ। हमने एक वर्ड पहले पढ़ा था इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है कम करना, और हम कम करते जाएंगे थ्री वैल्यू के साथ और जब तक हमारे पास -6 नहीं आ जाता। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट आवर एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 1, हमने इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल के को 27 से, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है बाय द वे, ये कहीं आप याद ना कर लीजिएगा सिर्फ के ही क्यों आ रहा है, तो जैसे इट्स सिंपली एक्स वाई जी, एनी नेम फॉर द वेरिएबल। तो 27 लिया आपने सबसे पहले, उसको आउटपुट करवा दिया, आउटपुट करवाने के बाद हमने डिक्रीमेंट किया उसके अंदर 3 का। डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, के की वैल्यू में से -3 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको रखवा देंगे के के अंदर, फिर चेक इफ द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, k -6 से बड़ी है ना। अब यहां पर जो बात समझने की वो ये है कि बिकॉज वी आर प्रिंटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसलिए हम चेक करेंगे जब तक बड़ा है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाते तो हम चेक करते जब तक छोटा है, ठीक है। तो -6 तक हमने जाना है, हम चेक करेंगे -6 से बड़ा या बराबर है, अगर ट्रू होती है ये कंडीशन तो गो देन पार्ट चलेगा, गो टू स्टेप नंबर 2, दोबारा प्रिंट कर दो के की वैल्यू। के की वैल्यू प्रिंट करने के बाद डिक्रीमेंट करो 3 का, माइनस करो 3 वैल्यूज के अंदर से, वो बन जाएगा 24 के बाद क्या बन गया 21 के बन गया। हम चेक करेंगे -6 से बड़ा है, जी बड़ा है, तो दोबारा स्टेप 2 पे चले जाओ, प्रिंट करवा दो 21, -3 करो, -3 किया कितना हो गया 18, और ये करते करते इस तरीके से जब तक हमारे पास -6 आएगा। जब -6 आ जाएगा तो क्या होगा, देन पार्ट चलेगा, अदरवाइज पार्ट चलेगा, बताएं, देन पार्ट चलेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो दोनों में से कोई एक काम भी हो जाएगा। अभी और एंड नॉट हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये लफ्ज यहां पर मैंने और इस्तेमाल किया, ये इसके स्पेशल मीनिंग्स हैं। तो इसका मतलब है ग्रेटर देन और -6 दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू हो गई तो गो टू 2, दोबारा यहां पे -6 प्रिंट हो जाएगा, -3 कर देंगे आ जाएगी वैल्यू -3, -3 -6 से बड़ी या बराबर नहीं है, देन पार्ट नहीं चलेगा, अदरवाइज वाला पार्ट चलेगा, गो टू स्टेप नंबर 5, स्टॉप। सो दीज आर द सेम स्टेप्स वी फॉलोड इन द लास्ट प्रोग्राम, ठीक है। इन द लास्ट प्रॉब्लम हमने यही स्टेप्स बनाए थे, almost with a little bit changes in the initial value and in the increment decrement section or comparison. So steps yahi the basically. So this is our algorithm for printing a sequence. Uske baad finding the sum of even numbers up to 100. Humne sum find karna hai 2 se lekar 100 tak ke tamam even numbers ka. ठीक, तो इनपुट क्या होगी हमारे पास, नो इनपुट रिक्वायर्ड, वी नो व्हाट आर इवन नंबर्स और कहां से कहां तक है, तो देयर विल बी नो इनपुट। आउटपुट क्या है जी, हमने सम ऑफ इवन नंबर्स 100 तक का शो करना है। प्रोसेसिंग क्या होगी, सबको ऐड करते जाएं 100 से लेकर 2 से लेकर 100 तक के तमाम इवन नंबर्स को और एंड के ऊपर प्रिंट करवा दें। स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया सम टू 0, हमने एक वेरिएबल लिया सम और उसके अंदर रखवाया 0 एंड के को स्टार्ट किया 2 से। हमने सम के अंदर 0 क्यों रखवाया और के अंदर 2 क्यों रखवाया, एनी आइडिया?
हमने सम के अंदर जीरो इसलिए रखवाया क्योंकि इसके अंदर हम सम करते जाएंगे तो जीरो अगर इसमें पड़ा हुआ होगा तो जीरो में जब कोई चीज ऐड की जाती है तो जीरो उसको खराब नहीं करता, तो इसलिए सम के वेरिएबल में जीरो रखवाया जाता है। इसी तरह अगर किसी प्रोग्राम के अंदर हमने मल्टीप्लीकेशन करवानी होगी तो उसके अंदर हम वन रखवाते हैं क्योंकि वन जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तो वो उसको खराब नहीं करता। अगर यहां पे वन रखवा देते तो आंसर चेंज हो जाता, खराब हो जाता, और अगर मल्टीप्लीकेशन में जीरो रखवा देते तो वो क्यामत तक जीरो ही रहता। अच्छा खैर, केक जो है वो केक के अंदर टू हमने इसलिए रखवाया क्योंकि वी आर डीलिंग विद इवन नंबर्स और इवन नंबर्स के अंदर वन नहीं आता, इवन नंबर टू से स्टार्ट होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव दीज इनिशियल वैल्यूज, इसलिए सम की वैल्यू जीरो है और इसलिए के की वैल्यू टू है। ठीक है, तो अब हमने स्टेप टू किया कि के को हम सम में ऐड कर देंगे, पहला जो इवन नंबर है उसको सम के अंदर जमा करवा दिया। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस के, तो सम की जो भी वैल्यू है, अब यहां पर हमें चाहिए होगा ड्राई रनिंग करनी होगी। ठीक है, तो ड्राई रनिंग जी, तो ड्राई रनिंग के लिए हमारे पास ये एक्सेल की शीट मैंने ओपन की और इसके अंदर मैंने एक हमारे पास सम रख लिया है और एक के अंदर के रख लिया है। तो सम की हमारे पास इनिशियल वैल्यू जीरो है और के की वैल्यू टू है। तो हमने क्या किया जी, सबसे पहले सम के अंदर सम की जो भी वैल्यू थी दैट इज जीरो, के की वैल्यू थी टू, इन दोनों को एड किया, आंसर आ गया टू और सम की वैल्यू हो गई हमारे पास टू। ठीक है जी, उसके बाद हम गए नीचे, हमने कर दिया के इज इक्वल टू के प्लस टू, के के अंदर इंक्रीमेंट किया टू का, या इसको स्टेप भी कह सकते हैं टू का। ठीक है, स्टेप है टू का हमारे पास, तो के अंदर के की वैल्यू टू थी, उसमें टू ऐड किए तो वो हो गए फोर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास चेक कि के की वैल्यू हंड्रेड के इक्वल या उसके बराबर है, हंड्रेड के इक्वल या उसके बराबर है। जी तो टू से छोटा है, फोर जो है वो हंड्रेड से छोटा है, तो हम जी तो अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ट्रू होने की कंडीशन के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन पार्ट चलता है, देन पार्ट है गो टू स्टेप टू। स्टेप टू हमारे पास है कि दोबारा सम को, सम के अंदर के की वैल्यू ऐड कर दें, के की वैल्यू फोर है, सम की वैल्यू टू है, तो सम इन दोनों को जब ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया सिक्स, और उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने के की वैल्यू में टू ऐड कर देना है, तो के की वैल्यू में टू ऐड किया तो वो भी हो गया सिक्स, और उसके बाद हमने चेक किया के की वैल्यू लेस देन हंड्रेड है, हाँ जी हंड्रेड से कम है। दोबारा स्टेप टू के ऊपर गए, स्टेप टू के ऊपर हमने सम के अंदर k की वैल्यू ऐड कर दी तो सम की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, और नीचे आए k की वैल्यू में 2 ऐड किया तो k की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, 8 ऐड करने के बाद हमने 8 अभी भी 100 से छोटा है, दोबारा स्टेप 2 के ऊपर आएंगे और इसको सम को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और k की वैल्यू में स्टेप 3 के मुताबिक 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये चलता रहेगा तब तक जब तक के हमारे पास क्या नहीं आ जाता जी, हमारी कंडीशन कब ब्रेक हो रही है, हमारी कंडीशन ब्रेक होती है जब वैल्यू 100 से बड़ी होती है। तो जैसे ही वैल्यू होगी 101 कभी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इवन नंबर्स की सीरीज है, तो यहां पर आएगा 102, जैसे 102 आएगा अदरवाइज पार्ट चलेगा दैट इज स्टेप 5, और स्टेप 5 है। ठीक है जी, एज यू कैन सी ओवर हियर स्टेप 5 इज आउटपुट सम, जो भी सम की वैल्यू हमारे पास उस वक्त आएगी वो हम आउटपुट कर देंगे और स्टॉप कर देंगे। तो यू कैन यूज द सेम प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ ऑड नंबर्स, सिर्फ एक सिंगल चेंज के साथ आप ऑड नंबर्स का सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर आप प्राइम नंबर का सम इस के थ्रू नहीं निकाल सकते। प्रॉब्लम नंबर 11, प्रिंट अ मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया जाए और आप उसका टेबल प्रिंट करवा दें। जी, प्लानिंग द सॉल्यूशन, इनपुट क्या होगी, हमें यूजर से एक नंबर लेना पड़ेगा जिसका वो टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, नंबर हूज टेबल इज रिक्वायर्ड, राइट। आउटपुट क्या है, प्रिंटिंग टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, हमने उसका टेबल प्रिंट करवा देना है, टू का, थ्री का, फोर का, जिसका आपका दिल करे। ठीक है, और प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल को वन के साथ, प्रिंट करेंगे उसका प्रोडक्ट गिवन नंबर के साथ, फिर उस नंबर के अंदर ऐड करेंगे वन को। ठीक है, और इस तरीके से दोबारा उसका प्रोडक्ट प्रिंट करते रहेंगे जब तक के कंटिन्यू विद प्रोसेसिंग टिल द प्रिंटिंग प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड द गिवन नंबर। अच्छा, ये हम 12 लिख रहे हैं, नॉर्मली जो हम लोग जब टेबल प्रिंट करवाते हैं तो 10 तक, हमारे यहां जो रिवाज है वो यही है कि हम 10 तक प्रिंट करवाते हैं, तो आप इसकी फाइनल वैल्यू को 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसकी फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है 1, 1 से लेकर 12 तक का
12 तक किसी भी नंबर का प्रिंट करवा रहे हैं टेबल, हम 1 से लेकर 10 तक कर लेंगे, इट्स अप टू यू। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया, लेट द नंबर n बी 7। अब यहां पर अगेन वी आर गोइंग टू यूज ड्राई रनिंग, और ड्राई रनिंग के अंदर हमारे पास एक n है और एक हमारे पास k है, एक हमारे पास p है। n कोई नंबर है जिसका आप टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेट सपोज हम सबका फेवरेट 2 का टेबल, ठीक है, और k वो नंबर है जहां से हमने टेबल प्रिंट करवाना शुरू करना है, दैट इज 1 राइट नाउ, और उसके बाद p के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट होगा किसका, n का स्टेरिक, k का कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो फॉर इनिशियलाइजेशन हम p के अंदर, वैसे ये तो स्टार्ट डायरेक्टली इसे करें, यहीं से स्टार्ट देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, लेट द नंबर n बी 7। वो कहता है कि जी मिसाल के तौर पर जो जिस नंबर का हम टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो 7 है, तो हम यहां पे 7 कर देते हैं, जी हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और इनिशियलाइज करें k की वैल्यू 1 के साथ, k की वैल्यू 1 आ गई, p जो है हमारे पास वो n और k का प्रोडक्ट है, तो n की वैल्यू थी 7, k की वैल्यू थी 1, तो p की वैल्यू फर्स्ट आ गई 7। उसके बाद आउटपुट करवा दी हमने n k b, तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू 7 1 7 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया k के अंदर बाय 1 का, मतलब k की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीज कर दिया, वो हो गई 2। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या k की वैल्यू 12 से छोटी या उसके बराबर है, जी k की वैल्यू अभी हमारे पास 2 है, छोटी है, कंडीशन ट्रू होती है तो देन पार्ट चलता है, दैट इज गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के ऊपर आए, p की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट होगी, तो p की वैल्यू हमने दोबारा कैलकुलेट होगी, वो हो गई 14 के बाद हमने आउटपुट ले लिया उसका स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया 7 2 14। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा k की वैल्यू में एक ऐड करेंगे तो k की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, 3 जो है वो 12 से छोटा है, गो टू स्टेप नंबर 3, ऊपर आएगा, दोबारा से प्रोडक्ट फाइंड किया जाएगा, फाइंड प्रोडक्ट हो गया 21, इन तीनों को दोबारा स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे स्टेप 4 पे, स्टेप 5 पे एक और ऐड कर देंगे, और ये आइट्रेशंस, ये लूप चलता रहेगा जब तक के k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। जब k की वैल्यू 12 होगी तो ये ट्रू होगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, देन पार्ट चलेगा, और जब 13 होगी तो अदरवाइज पार्ट चलेगा, दैट इज स्टेप 7। और स्टेप 7 क्या है, स्टॉप। द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 इज कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फॉरनहाइट टू सेल्सियस। हमारे पास टेम्परेचर इनपुट होगा फॉरनहाइट के अंदर और हमने उसको कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस स्केल के अंदर। प्लानिंग कर लें जी, टेम्परेचर हम इनपुट लेंगे फॉरनहाइट में, आउटपुट क्या होगी सेल्सियस में प्रिंट करवाएंगे। प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम कंप्यूट करेंगे टेम्परेचर को इन सेल्सियस फ्रॉम फॉरनहाइट यूजिंग अ कन्वर्जन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए, ये फॉर्मूला सुनन हमें इनको क्वेश्चन के अंदर देना चाहिए, बट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि माइट बी पॉसिबल आपको पेपर में भी ना दिया जाए, देना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। यहां पर c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 इज द फॉर्मूला। ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आपको बताना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, लेट द टेम्परेचर इन फॉरनहाइट f बी 100। हमने इनपुट ले ली कि f की वैल्यू जो है वो 100 है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया टेम्परेचर इन सेल्सियस, सिंपल फॉर्मूला लिख दिया c इज इक्वल टू 5/9 पैरेंथेसिस के अंदर f माइनस 32। तो जो कुछ ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ होता है वो पहले सॉल्व होता है, तो यहां पर f की जगह वैल्यू आ जाएगी 100, 100 माइनस 32 विल बिकम 68, 68 को 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दें, तो जो भी आंसर आएगा वट एवर द आंसर इज वो रखवा दिया जाएगा c के अंदर, और c के अंदर रखवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको आउटपुट कर देंगे और उसके बाद स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने इनपुट लें सेल्सियस में और आउटपुट करें फॉरनहाइट में, तो यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर सी आ जाएगा, बाकी सारा प्रोग्राम वैसे ही है। यहां पर भी ऑब्वियसली फिर एफ प्रिंट करवाएंगे, यहां पर भी एफ लिखा जाएगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 13 एंड आर फाइनल प्रॉब्लम गिवन इन द बुक। फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं कि किसी भी नंबर को, जो भी गिवन नंबर है उससे लेकर 1 तक के तमाम नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। कहने का मकसद यह है कि अगर आपके पास लेट सपोज 7 है तो 7 का फैक्टोरियल क्या होगा, 7 का फैक्टोरियल होगा 7 स्टेरिक 6 स्टेरिक 5 स्टेरिक 4 स्टेरिक 3 स्टेरिक 2 स्टेरिक 1, ये होगा फैक्टोरियल
सेवन का। थ्री का फैक्टोरियल क्या होगा? थ्री का फैक्टोरियल होगा थ्री स्टेरिक टू स्टेरिक वन, ठीक है। इसी तरीके से टू का क्या होगा? टू का फैक्टोरियल होगा टू स्टेरिक वन, और वन का क्या होगा? वन का होगा वन, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट अ फैक्टोरियल इज। ऑलराइट, अब हम इसको देखते हैं कि प्लानिंग क्या है। गिवन नंबर होगा, रिक्वायर आउटपुट क्या, उसका फैक्टोरियल प्रिंट करवा दें। प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम उसका प्रोडक्ट लेंगे वन तक, मतलब उस नंबर से हम रिवर्स के अंदर जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सेल शीट पे करके दिखाया। वन से लेकर गिवन नंबर तक आ जाएं या उस नंबर से लेकर वन तक चले जाएंगे, एक ही बात होती है, ठीक है। टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टू। आई होप के यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन। इसके अंदर एक ऐड, अगर वन से इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री टिल दैट नंबर, और अगर उस नंबर से शुरू करेंगे तो रिवर्स के अंदर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। यार हमारा सबसे पहला स्टेप है एक नंबर लेने, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास फाइव। इनिशियलाइज लूप वेरिएबल के एंड फैक्टोरियल एफ टू वन। लूप वेरिएबल, अब इन्होंने ये लफ्ज यहां पे इस्तेमाल कर लिया है, ये कोई आपके फोर्थ चैप्टर का आई गेस कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर रिपीट होते हैं कुछ स्टेप्स। जब आपके पास स्टेप्स रिपीट हो रहे होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम या टिल अ कंडीशन इज मेट, तो उसको लूप कहा जाता है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया हो गया है कि जब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक से ज्यादा दफा चलती हैं तो उसको आप एक लूप कह रहे होते हैं, चक्कर लगाना, ठीक। तो एफ के अंदर हमने वन रखवा दिया इनिशियलाइज, के अंदर भी वन रखवा दिया, एफ के अंदर भी वन रखवा दिया, और एन के अंदर हमने फाइव रखवा दिया। मैं यहां पर ड्राई रनिंग थोड़ी सी कर लेता हूं जी। तो वी हैव वेरिएबल्स एन के और एफ, और वैल्यूज हैं जी इनकी, एन के अंदर फाइव है, के अंदर वन है, और एफ के अंदर भी इनिशियली वन होगा, ठीक है जी। जी उसके बाद हमने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट, f की वैल्यू को k से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको f में रखवा देंगे। तो f की वैल्यू है 1 और k की वैल्यू है 1, इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर f में रखवाया तो आंसर आ गया 1। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया k के अंदर 1 का, तो k के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे हो गया 2, तो 2 हो गया। उसके बाद हमने चेक किया कि k n से छोटा है, हाँ जी 2 जो है वो 5 से छोटा है, छोटा है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। स्टेप नंबर 3 के ऊपर चले जाएं, स्टेप नंबर 3 के ऊपर आ गए हम लोग। स्टेप नंबर 3 के ऊपर अगेन वो कहता है कि f को और k को मल्टीप्लाई करो। अब k की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू 1 है, तो f की वैल्यू हो गई 1 इंटू 2, 2 हो गई वैल्यू। उसके बाद हमने k के अंदर एक ऐड कर दिया, k की वैल्यू हो गई 3, k की वैल्यू 3 हो गई। हमने चेक किया, हाँ जी 3 n से छोटा है, 5 से छोटा है, तो स्टेप नंबर 3 पे चले जाओ, दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एफ और के को, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास, एफ की वैल्यू हो गई 6, 6 हो गई, k की वैल्यू में एक ऐड किया, k की वैल्यू हो गई 4, 4 के बाद हमारे पास उन्होंने चेक किया क्या 4 एन से छोटा है या बराबर है, हाँ जी छोटा है, तो दोबारा स्टेप नंबर 3 के ऊपर जाएं, दोनों का प्रोडक्ट लें, और f की वैल्यू हो गई 24, 24 के बाद k की वैल्यू में एक ऐड किया, ये वैल्यू हो गई 5, 5 के बाद हमने चेक किया कि क्या k जो है वो अभी 5 5 से छोटा या बराबर है, बराबर है, तो अभी भी स्टेप 3 पे जाएंगे, स्टेप 3 के ऊपर जाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब f की और k की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 24 विल बिकम 120, और 120 हमारे पास आया। फिर हम यहां से दोबारा स्टेप नंबर 4 के ऊपर आए, k की वैल्यू में ऐड किया, k की वैल्यू हो गई 6, k की वैल्यू 6 हो गई। उसके बाद हमने चेक किया क्या 6 n से छोटा या बराबर है, जी फॉल्स हो गया, क्योंकि 6 5 से छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो अदरवाइज पार्ट चलेगा 6, और आउटपुट कर देंगे f की जो भी वैल्यू है जो कि 120 है, और स्टॉप कर देंगे। If you have any questions regarding these algorithms or algorithm के concept के लिहाज से, please feel free to ask in the comment section. और जो questions मैंने आप लोगों को home task के लिए दिए हैं वो लाजमी तौर पर करके आप लोगों ने मुझे submit करवाने हैं। Thank you for watching. Assalamualaikum.